Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CMAT 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss about the detailed admission process of JBMS Mumbai for all three programs, that is MMS, MHRD and MSc Finance. Guys, काफी लोगों का पिंग आ रहा है regarding this कि JBMS के लिए कैसे apply करना होता है. काफी लोगों को idea नहीं है. काफी लोग सोचते हैं कि JBMS अलग से form आता है एमएमएस के लिए, बट ऐसा नहीं है. तो गैस, आज के वीडियो में आपको स्टार्टिंग से अंत तक सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हर प्रोग्राम के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं. तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गैस, स्टार्ट करते हैं. गैस, ये हम लोगों के इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पेजेस हैं, तो आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करो, क्योंकि आपसे हम लोग रेगुलर एक्टिव रहेंगे. आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द कट ऑफ बी स्कूल्स एंड कंटेंट बेस्ड. प्लस सीमैट की प्रिपरेशन करो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, 4500 प्लस मेंबर्स का है. इन दोनों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के. चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि JBMS के तीन मेजर प्रोग्राम्स हैं. जो मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनका, जो मेन प्रोग्राम है वो है MMS प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम आपका MHRD है, एंड थर्ड प्रोग्राम MSc फाइनेंस है. तो गाइस, एक एक करके डिस्कस करेंगे सब कुछ. तो गाइस, मेजर प्रोग्राम जो है MMS प्रोग्राम, ये एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है, जो सबसे अच्छा माना जाता है. गाइस, MMS का मतलब होता है MMS सेम एज MBA, इक्विवेलेंट टू MBA, ठीक है, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज. सो गाइस, जो JBMS मुंबई है ये गवर्न होता है थ्रू CET सेल, MBA CET ना, CET सेल के थ्रू. यू कैन से कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, इसके लिए कोई अलग से JBMS का फॉर्म नहीं आता है. एक कॉमन फॉर्म होता है फॉर ऑल द महाराष्ट्र कॉलेजेस, वो होता है आपका कैप राउंड से. कैप राउंड मतलब होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस. तो जितने भी महाराष्ट्र के मेनली कॉलेजेस हैं वो ये फॉलो करते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर आते हैं. तो एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है आफ्टर MBA CET रिजल्ट, उसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है. और दूसरी बात, जो भी कॉलेजेस कैप राउंड के थ्रू होते हैं, इनमें आपका GDPI वगैरह कुछ नहीं होता है. ये पूरा प्रोसेस आपके स्कोर के बेस पे होता है. आपका स्कोर जितना ज्यादा रहेगा आपका चांस उतना अच्छा रहेगा. तो अभी मेनली बात कर रहे हैं JBMS मुंबई की. अब गाइस, JBMS मुंबई, ये तो पता चल गया कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैप के थ्रू होता है, अलग से फॉर्म नहीं आता इसका. तो गाइस, मेजर कंसर्न क्या है कि कौन कौन से एग्जाम लेते हैं और कैसे क्या होता है. तो गाइस देखो, यहाँ पे जो मेजर एग्जाम्स जो एक्सेप्ट करते हैं JBMS मुंबई में एडमिशन, वो है आपका MBA CET, MBA CET हो गया, CMAT हो गया, CAT हो गया, ठीक है. देन आपका जो JBMS की वेबसाइट है उसमें ये तीन एग्जाम्स के बारे में मेंशन है, बट अगेन जैट, मैट एंड एटमा ये एग्जाम्स भी लेते हैं, ठीक है. तो गैस, ये एग्जाम्स. और दूसरी मेजर चीज है कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ होता है, क्योंकि गैस 85% सीट्स रिजर्व होती है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, ठीक, जो महाराष्ट्र से, तो ऑल इंडिया वालों के लिए सिर्फ 15% सीट्स हैं. इसी वजह से अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो आपके लिए जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 99.99, सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि सीट्स कम है आपके लिए. तो गैस, यहाँ पे होता है क्या है कि आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, MBA CET दो, CMAT दो, CAT दो, या फिर ये तीन दो, ठीक है, आपको क्या लाना है, आपको 99.99 लाना होता है. कई बार ऐसा हो गया कि 99.99 में मिल जाता है, बट सेफ साइड 99.99 है. अगर आपका ये आ गया तो आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, जनरली मिल जाता है, इसमें वो नहीं होना चाहिए. तो गैस, यहाँ पे कोई GDPI प्रोसेस वगैरह नहीं है. तो गैस, मेजर एग्जाम जो है ये तीन है. और गैस, अगर मैं ध्यान से बोलूँ आपको, तो कैट एंड जैट में जो भी बंदा 99.99 लाएगा वो जनरली नहीं जाता है JBMS, वो जनरली IIM अहमदाबाद, जनरली बैंगलोर वगैरह जाएगा, ठीक है, तो मेनली. और एटमा मैट जो है इनका फिक्स नहीं होता है कुछ, एटमा मैट कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, मतलब डिपेंड करता है, वो हर साल चेंज होता है. तो आपके लिए कौन से एग्जाम बचे, आपके लिए एग्जाम बचे MBA CET एंड CMAT, क्योंकि जनरली इसीलिए लोग JBMS में लेते हैं एडमिशन. अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो गैस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया के, जो मतलब महाराष्ट्र के नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि आपको अगर JBMS जाना है तो आपको MBA CET देना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है. तो अगर आप MBA CET नहीं देना चाहते हो, आपको सिर्फ CMAT देना है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो. कैसे, आप क्या करो, आप CMAT दो, CMAT देने के बाद जब MBA CET का रिजल्ट आ जाएगा तो एक कैप अराउंड का फॉर्म आता है, ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो फॉर्म आप फिल करोगे 1000 रुपीज का, तो आप वहां पे आप टिक कर दोगे हमको CMAT से चाहिए, या फिर कोई भी कॉलेज से, कोई भी एग्जाम के थ्रू. मतलब कहने मतलब मेरा क्या है कि आप अगर MBA CET नहीं देते हो, उसके अलावा कोई भी एग्जाम और दो, तो भी आपका JBMS मुंबई मिल जाएगा. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब MBA CET का रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग का फॉर्म होता है,
ठीक है, वो आपको फिल करना पड़ता है 1000 रुपीज। और अगर आपने एमबीए सीईटी भी दिया है, आपने एमबीए सीईटी भी दिया हुआ है और आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको वाला फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1000 रुपीज तो आपके लगने ही लगने हैं, या तो एमबीए सीईटी दे दो, फिर उसके बाद कोई एग्जाम दे दो। ठीक है, अगर एमबीए सीईटी नहीं देना है आपको, तो कोई भी आप एग्जाम दोगे तो आप 1000 रुपीज कैप राउंड ले दोगे। तो मैं पर यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। द एलिजिबल कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी कंडक्टेड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। हाँ देखो, सच कैंडिडेट्स नीड नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फी। जो कैप राउंड की फी की बात कर रहा है वो आपको नहीं देनी है। ठीक है, जो लोग सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी, ठीक है, तो उनको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना, एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे नहीं देने। बी वाला पार्ट देखो, द एलिजिबल कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर एडमिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल लेवल एग्जाम्स। ये कौन से एग्जाम की बात कर रहा है? अपार्ट फ्रॉम सीईटी, अगर आप सीमैट, एटमा, मैट, कैट, जेड इनसे दे रहे हो, उसके लिए क्या होगा? एक्सेप्ट सीईटी शुड अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन एंड शैल पे द रिक्वायर्ड फीस एज गिवन बिलो। तो क्या बोल रहा हूँ मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने एमबीए सीईटी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, आप कैप राउंड की फीस दोगे, और वो कितनी है? एमबीए एमएस के लिए 1000 रुपीज है। ठीक है, तो एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आपने एमबीए सीधे भी एग्जाम दिया हुआ है और फिर आप सीमैट देने वाले हो या कोई भी एग्जाम देने वाले हो, और बाई चांस आपका एमबीए सीधे में स्कोर कम है, आपको सीमैट से मिल रहा है, तो भी आपको कुछ नहीं फेल करना। बस एक बार याद रखो, आपको 1000 रुपए एक बार देने हैं, या तो एमबीए सीधे में दे दो, एमबीए सीधे नहीं भर रहा है आपने तो आप काउंसलिंग फॉर्म में दे दो, दोनों बार नहीं देने आपको पैसे, सिंपल सी बात। और यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है आपको कैप का, और यही फॉर्म आपका सबके लिए एलिजिबल रहेगा। आप सिमसरी भी ले सकते हो, आप एमएस का कोई भी प्रोग्राम ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड हुआ कि आपको जेवीएमएस मुंबई की वेबसाइट में जाकर कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको सिर्फ या तो एमबीए सीईटी या फिर कैप राउंड का फॉर्म फिल करना है बस। ठीक है, और मेजर एग्जाम जो आपके लिए एमबीए सीईटी एंड सीमैट, क्योंकि कैट जैट से डेफिनेटली 99.99 भी लोग लेते नहीं है, और मैट एटमा का फिक्स नहीं है कुछ, क्या पता ले क्या पता ना ले। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं इसका। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे चलते हैं आगे। अब तो गाइस, जिन्होंने सीमैट सीडी नहीं दिया है, सीमैट प्रिपरेशन कर सकते हो। 350 बस टारगेट करो स्कोर, परसेंटाइल से जो डरोगे सीमैट के थ्रू, अगर आप टारगेट करोगे स्कोर, तो देयर आर स्टूडेंट्स जो जाते हैं सीमैट से भी। ठीक है, अब आते हैं गाइस एमएचआरडी प्रोग्राम में। तो गाइस, जेवीएमएस का एमएचआरडी प्रोग्राम किस लिए होता है? उनके लिए होता है जिनको एचआर में इंटरेस्ट है, मतलब प्योरली ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अराउंड 2018 या 2019 में लॉन्च हुआ था और बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इस टाइम इसका एवरेज पैकेज 19 लाख है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। ठीक है, तो गैस इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले क्या था कि जब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम अपना खुद का टेस्ट कराता था, इसका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता था 100 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे एचआर वगैरह क्वेश्चन आते थे। लास्ट ईयर इसने क्या किया, लास्ट ईयर इन लोगों ने बोला कि हम कैट सीईटी से भी लेंगे, कुछ कट ऑफ दे दिया, और साथ में जेबीआईएमएस का टेस्ट भी कराएंगे, यही बोल दिया। तीनों से ऑप्शन थे, क्या आप कैट में आपका आया हो, कुछ कट ऑफ दे दिया, सीईटी का कट ऑफ दे दिया, और जेबीएमएस का एंट्रेंस टेस्ट, ये भी हो गया। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। बट इस बार क्या हुआ है गैस, अभी नोटिफिकेशन आई है जनवरी में, जनवरी में नोटिफिकेशन आई है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, सिर्फ सीईटी एंड कैट के स्कोर से। इन लोगों ने अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम हटा दिया इस बार। अब दोबारा नोटिफिकेशन आ जाए तो नहीं बोल सकते, बट हटा दिया। ठीक है, तो गैस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग एमएमएस प्रोग्राम में नहीं ले पाते एडमिशन, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है। बिकॉज यहाँ पे 85% वाला कोटा नहीं है, यहाँ पे अराउंड 50% का कोटा होता है। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका कम परसेंटाइज देते हैं। बिकॉज अगर आप कट ऑफ देखो तो कट ऑफ कितना कम है, कैट 2022 से 85% कट ऑफ था, सीईटी का कट ऑफ लास्ट ईयर 90% था, सिर्फ 90%। देयर आर स्टूडेंट जिनको 95-96 पे आराम से कॉल आ गई। ठीक है, कॉल तो कम में भी आ जाती है, पर थोड़ा बहुत प्रोफाइल भी देखते हैं लोग, मतलब ये है कि 90 बॉर्डर है, 96, 97 या 98, मतलब 97, 98 पे अपने स्टूडेंट से कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यार इस बार क्या हो गया, इस बार आपका अगर कैट 2023 या सीईटी 2023 में ये कट ऑफ के अराउंड हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। और गाइस परसेंटाइज कट ऑफ देखो कितना कम है, तो यहां से आप क्या क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाकी प्रोसेस, इन पर्सन असेसमेंट, इनके लिए सिर्फ स्क्रीनिंग वाला खेल है, इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू, वैट अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लोगों के भी गाइस जेबीएमएस में के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। टोटल सीट्स 30 हैं, 30 में से लास्ट ईयर 8 स्टूडेंट्स का एमएचआरडी में हुआ था हम लोगों के यहाँ से, और अभी तक मोर देन
25+ आई गेस 28 स्टूडेंट्स का हम लोग यहाँ से हो चुका है। तो गैस एक JBIMS का ब्रांड मिलेगा प्लस 19 लाख का पैकेज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और डेफिनेटली आगे ग्रो करेगा। वो ग्रो कर ही रहा है, 5 साल हुए स्टार्ट हुए, 4 साल 19 लाख के पैकेज में आ गया है। तो यहाँ पे आपका GDPI प्रॉपर होता है और यहाँ पे आपको टॉप नहीं करना है एग्जाम। आप 97-98 लाओ, अप्लाई करो, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, रिजल्ट के बाद सीट दीजिए, तो मैं अपडेट दूंगा आपको। तो जो लोग HR में इंटरेस्ट है और इस बार एडमिशन लेना है, उनको हर हाल में अप्लाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट GDPI प्रॉपर में करना। हम लोग का इसके लिए स्पेसिफिकली GDPI का प्रॉपर कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे SOP वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बट SOP बहुत मैटर करता है। हम लोग का एक एक आंसर रिव्यू करते हैं हम लोग, लास्ट ईयर मैक्सिमम लोग उससे हुआ है। ठीक है, तो ये है MHRD का प्रोसेस, ओनली थ्रू कैट एंड CET, नो एंट्रेंस एग्जाम और प्रॉपर GDPI वगैरह सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फॉर्म आएगा, यू कैन एक्सपेक्ट कि फॉर्म इसके अप्रैल में आएगा, क्योंकि CET का रिजल्ट मान लो कब आता है, मार्च एंड में आ जाएगा, तो अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बट अगेन लास्ट ईयर से कंपेरिजन में काफी जल्दी कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो बहुत ही डिले हो गया था, मतलब अक्टूबर में इंटरव्यू हुए थे, सितंबर में फॉर्म आया था, आई डोंट नो क्या हुआ था लास्ट ईयर, बट इस बार बहुत जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जनवरी में नोटिफिकेशन निकाल दी। ठीक है गैस, ये क्लैरिटी है। अब गैस देखो, ये HR का हो गया, अब लास्ट प्रोग्राम बचा हमारा कौन सा, MSC फाइनेंस का। MSC फाइनेंस लगता है MSC है डेफिनेटली, बट गैस इसका जो प्लेसमेंट है बिल्कुल MBA की तरह, 21 लाख का एवरेज पैकेज है, और वैसे अगर आप कहीं से MSC करो तो उतनी वैल्यू नहीं होगी, बट JBIMS मुंबई का MSC प्रोग्राम अलग ही लेवल का है फाइनेंस का। तो जो लोग फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, 21 लाख का पैकेज। और यहाँ पे भी यही होता है गैस कि इनका कोई अलग से एग्जाम नहीं है, आपका कैट एंड CET में कट ऑफ, यहाँ पे कट ऑफ थोड़े अच्छे होते हैं जनरल के लिए, कैट में 95 एंड CET में 97। तो अगर आपको 97 के ऊपर कुछ भी आ रहा है CET में और आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको 100% फॉर्म फिल करना चाहिए और GDPI की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। GDPI के लिए फाइनेंस के बेसिक्स, पूरा बेसिक जितना भी आपको आइडिया लगता है, बेसिक फाइनेंसिंग वगैरह जितना भी कर सकते हो, प्लस कम से कम 2-3 मॉक पी आई दो। ठीक है, क्योंकि अगेन गाइस इंटरव्यू के लिए से वेरी इंपॉर्टेंट हो कि आपको फाइनेंस में वाकई इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, ये लोग GDPI में फोकस इसलिए ज्यादा करते हैं बिकॉज काफी लोग JBIMS के ब्रांड के नाम पे चले जाते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, बट आप सोचो कि आपका 99.98 आ गया है और आपको MSC फाइनेंस मिल जाएगा, तो मैं भी ना मिले, क्योंकि इन लोगों का कट ऑफ उतना वो नहीं है, इन लोगों के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस है। आप अगर एज ए पर्सन अच्छे हो उनकी नजरों में, क्या वाकई फाइनेंस आपको आती है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको वो इवन 97.5 में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी का मतलब होता है कट ऑफ। बाकी इस बार ये कट ऑफ नहीं है गाइस, ये कट ऑफ लास्ट ईयर के, बट इसी के आसपास ही रहेंगे। तो जिन लोगों को भी MSC फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कैट एंड CET स्कोर्स, नो CMAT, ओनली कैट एंड CET, इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए ओनली कैट एंड CET, नो CMAT एंड एनीथिंग, सिर्फ कैट एंड MBA CET ये रहता है। बाकी गाइस एक चीज और है, अगर आपने UPSC में प्रिपरेशन करी है, ठीक है, UPSC का आपने एग्जाम दिया है, यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएंगे, मेरे ख्याल से लास्ट के 2 साल हो जाएंगे, 21-22 या मेबी 23 भी आ जाए। ठीक है, और आपका प्री और मेंस क्लियर है, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंच चुके हो, इंटरव्यू पहुंच चुके हो, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हो, यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CET एंड कैट, आपको CET कैट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने UPSC निकाला है, मतलब मेंस प्री क्लियर है आपका, तो आप सीधे जाओ वहाँ, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, वो अपना आप देख लेंगे आपका स्कोर वगैरह, इक्विवेलेंट कर देंगे उसको। तो गाइस ये 3 प्रोग्राम्स थे, तो एज ए समरी मैं अगर बोलूँ आपको, तो जो मेन फर्स्ट प्रोग्राम है आपका मेजर प्रोग्राम MS, इसके लिए आपको कोई GDPI देना होगा, सीधे आपका MBA CET एंड CMAT मेजरली कट ऑफ इज 99.99, और आपको अगर आपने CET नहीं दिया है तो CMAT दे के क्या करोगे, कैप अराउंड का फॉर्म फिल करोगे, उसका अपडेट आएगा, फिर आपका JBIMS MHRD ये लेगा आपका कैट एंड CET ओनली इस बार, MSC फाइनेंस कैट एंड CET ओनली। ठीक है, तो अभी किसके, अभी JBIMS से कोई फॉर्म आया है, अभी कोई फॉर्म नहीं आया किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, सबका आएगा, जैसे ही आएगा आपको यूट्यूब में अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस ये दोनों प्रोग्राम्स में आप ये मत सोचो कि आपका जैसे CET बेकार गया, आपका कैट ठीक गया था, तो आप मतलब अपने आपको कंपेयर मत करो, जैसे आपका इवन अगर 93% भी आया है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें हो सकता है आपको कॉल आ जाए मे बी, ठीक, क्योंकि 90 कट ऑफ है, तो पॉसिबिलिटी सबकी है गाइस, कोई भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है, बट दूसरी बात एक और, सिर्फ JBIMS के नाम पे HR जाना का इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट मान लो फाइनेंस में बट आप HR में जाना चाहते हो, तो ऐसा मत करना, इंटरेस्ट हो तभी जाना। ठीक है, वरना बाद में दिक्कत आएगी आपको, सेम फॉर फाइनेंस वाले केस में, 21 लाख का पैकेज देके मत जाना, अगर वाकई इंटरेस्ट लगता है तभी जाना। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया है JBIMS के एडमिशन प्रोसेस का, और क्लैरिटी मिलेगी आपको।
और बाकी मैं अलग से भी इनके डिटेल्स बनाऊंगा, और डिटेल प्रोसेस एमएसआरडी का बनाऊंगा अलग से, एमएससी फाइनेंस का बनाऊंगा अलग से, ठीक है। बाकी एमएसआरडी के लिए और एमएससी फाइनेंस के लिए हम लोग के जीडीपीआई कोर्सेस लॉन्च होंगे कुछ टाइम में, वो यूट्यूब पे आ जाएगी डिटेल्स, ठीक है। बाकी हमने कट ऑफ वीडियो बनाया था सारे कॉलेजेस का अभी 2 दिन पहले, तो ये आप चाहो तो एक बार पॉज करके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। सीमैट से कम 7 कॉलेज ऐसे हैं जो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इस बार एडमिशन लेना है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग इन कॉलेज के बाद अलावा कहीं और मत जाना सीमैट से, क्योंकि गैस ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। बाकी गैस सीमैट का डेडिकेटेड कोर्स हम लोग का लॉन्च हो चुका है, 14 मार्च से एक ओरिएंटेशन वीडियो बनाया गया है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की लाइव क्लास का शेड्यूल दिया गया है, हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं है। आई नो काफी लोग अभी थोड़ा उस डिमोटिवेटेड टाइप के हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, बट गैस नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, वो अगर आपको 30 मार्च को भी नोटिफिकेशन देगा, एग्जाम वो 10 मई को कंडक्ट करा दे, ठीक है। अब गैस मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो लोग कह रहे हैं सीमैट कैंसिल हो रहा है, ये सब सीमैट कैंसिल जब होगा, होता तो पहले बता देता हूँ। सीमैट कभी कैंसिल हुआ है आज तक? सीमैट कैंसिल हुआ है 2013, बट जब सीमैट कैंसिल हुआ था इन्होंने अक्टूबर में बता दिया था कि सीमैट सीईटी से लेगा, पहले ही बोल दिया था अक्टूबर में। तो अगर ये करना होता है इनको तो पहले बोल देते ना सीमैट कैंसिल हो रहा है, सीईटी से जाओ, सीईटी से जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस सीमैट बहुत छोटा एग्जाम है बाकी एनटीए एग्जाम से कंपैरिजन में, जी नीट 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उनको उनकी चिंता पहले है कि इलेक्शन आ रहा है, पहले उन्हें फोकस करेंगे। यहाँ 50 से 60 हज़ार बच्चे बैठते हैं, कभी भी करा देंगे एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज जुलाई में खुलते हैं ना, ये लोग करा देंगे, मई 20 मई को एग्जाम करा देंगे, 10 दिन बाद इंटरव्यू हो जाएगा आपको, अब जाओ कॉलेज, ठीक है। तो एग्जाम ना होने का रीजन नहीं है कोई, 1300 1400 कॉलेजेस हैं, कई लोग का डेली पिंग आता है मेरे पास इवन यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद भी, ठीक है। तो डिमोटिवेट मत हो गाइस, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो गाइस बाकी कंप्लीट एमबीए एंड कैट कोर्स भी हम लोग के चल रहे हैं, 20 मार्च से नया बैच स्टार्ट है, डेडिकेटेड बैच, यू कैन चेक, ठीक है। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो, बाकी काफी अच्छे रिव्यूज हैं हम लोगों के सीईटी सीयूटी से, ठीक है। तो आप देख सकते हो सीमैट कोर्स, mockzone.in/cmat में जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।